तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Asus VivoBook K15 OLED की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू कर दें यहाँ। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ही चैनल है। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, सामने तरफ Asus VivoBook की ब्रांडिंग है, तो बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। तो ओपन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर, बॉक्स कंटेंट्स वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है पावर कॉर्ड, उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है 65 वॉट का Asus का खुद का अडैप्टर, जिसका इंटरफेस ये वाला है। कुछ इस पैकिंग में हमें लैपटॉप देखने को मिल जाता है, तो निकाल लेते हैं इसे घूंघट को बाहर। तो ये रहा हमारा Asus VivoBook K15 OLED वाला। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो यार काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है ये। तो फ्रंट पैनल इसका बिल्कुल प्लेन है, सिल्वर कलर में है, खाली Asus VivoBook की यहाँ पे ब्रांडिंग है। तो बैक साइड से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एयर इनटेक का वेंट देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 4 रबर ग्रिप्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस साइड आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, उसके बाद आपका HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है 3.2 वाला USB पोर्ट, उसके बाद आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो इस साइड बात करें तो इधर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि 3.2 वाले नहीं है, 2.0 वाले हैं, एंड इधर आपको लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट पैनल ना मैट फिनिश के साथ आता है, बाकी पूरा लैपटॉप प्लास्टिक से बना हुआ है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक की भी। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, फ्लेक्स वगैरह काफ़ी मिनिमम से देखने को मिल जाती है। लैपटॉप की वेट की बात कर लेते हैं, तो 1.7 kg लैपटॉप का वेट है, तो थिन एंड लाइट लैपटॉप है, लेकिन है ये 15 इंच का। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो ये मैं कर रहा हूँ ओपन वन एंड से, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है यार, हो जाता है आराम से वन एंड से ओपन। तो बूट भी कर लेते हैं, तो बूट स्पीड आप देख लेना। तो कीबोर्ड के अंदर इसका पावर बटन है, तो विंडोज 10 के ऊपर चल रहा है, विंडो 11 पे भी आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट आया हुआ है। तो हो चुका है बूट, काफ़ी फास्ट हो गया बूट, SSD है क्योंकि। तो अंदर से डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो वेबकैम आपको देखने को मिल जाता है, क्वालिटी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे Asus VivoBook की ब्रांडिंग है, एंड बेजल्स थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे हैं ऊपर के साइड पे, तो थोड़े से और कम हो सकते थे। एंड यहाँ पे आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है फुल साइज़ का, एंड कीबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक कीज़ है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। टच पैड की बात करें तो अच्छा खासा साइज़ का टच पैड देखने को मिल जाता है, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, उसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी फास्ट है, 1 सेकंड के अंदर ही लैपटॉप को अनलॉक कर देता है। तो मुझे पर्सनली इसके कीबोर्ड एंड टच पैड काफ़ी अच्छा लगा, एंड कीबोर्ड के अंदर ही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है वाइट लगी बैक लाइट, तो अंधेरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग में। तो बात कर लेते हैं जो लैपटॉप की मेन खासियत है, जो कि इसकी OLED डिस्प्ले है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है फुल HD OLED डिस्प्ले, जो कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसका 500 हर्ट्ज की ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस काफ़ी तेज है, एंड 100% DCI-P3 है, जो कि sRGB से भी बेटर होती है, एंड पेंटोन वेरीफाइड डिस्प्ले है, आई केयर सर्टिफाइड भी डिस्प्ले है, तो आंखों को भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एंड VESA डिस्प्ले HDR 500 सर्टिफाइड भी डिस्प्ले है, एंड 15.6 इंच वाली डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले देखो काफ़ी अच्छी है, कलर्स के मामले में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, 100% DCI-P3 है। तो बात कर लेते हैं इसके CPU की, तो मेरे पास जो मॉडल है वो है Ryzen 5 वाला, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है Ryzen 5 5500U, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है, एंड साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं Radeon ग्राफिक्स। आगे रैम की बात कर लेते हैं, तो 8GB के 3200 MHz की रैम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑन बोर्ड रैम है, तो आप एक और स्टिक लगा सकते हैं, मतलब एक रैम स्लॉट इसके अंदर एम्प्टी है, जिसके अंदर आप 8GB के एक और रैम लगा सकते हो, तो टोटल 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, 256GB की NVMe SSD, एंड साथ में 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है, तो जिससे कि आप रिप्लेस करके हाई कैपेसिटी वाली भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा कोई स्लॉट नहीं है वैसे। वाईफाई एंड ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं, तो वाईफाई 6 आपको देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5 देखिए आपको देखने को मिल जाता है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं, तो 42 वॉट की आपको इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है, तो देखने में कम लगती है लेकिन बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी दे देती है, 5 से 6 घंटे का आपको नॉर्मल यूज़ पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मेरे टेस्टिंग में 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था, मैंने YouTube वीडियोस प्ले की थी 50% ब्राइटनेस पे एंड 50% स्पीकर्स पे, तो मुझे अराउंड 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल गया था। तो बात कर लेते हैं स्पीकर्स की, तो इसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं नीचे के साइड पे, तो एक सैंपल आप सुन लो, डेसिबल्स भी आपको मैं बता देता हूं। तो
तो स्पीकर इसके यार काफी लाउड है, 89 मैक्स डेसिबल्स देखने को मिल जाते हैं, तो क्वालिटी भी काफी क्रिस्प है एंड आपको हल्की फुल्की बेस भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं वेबकैम की, तो बाकी लैपटॉप्स की तरह इसके अंदर भी आपको डिसेंट वेबकैम देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है राइजन 5 5500U जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, जिसका जो मल्टीकोर स्कोर आया था सिनेबेंच R23 में जो कि आया था 7183 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 1179। तो इस पे आप देखो कोई भी काम कर सकते हो, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हो, 6 कोर का सीपीयू है एंड फोटोशॉप वगैरह भी कोई भी लेवल का आप आराम से चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑफिस वर्क कर सकते हो, वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, वो तो चलो 2 कोर के सीपीयू भी आराम से चल जाता है, इसमें तो आपको 6 कोर देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब कोई भी काम आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 6 कोर का सीपीयू पे सारे काम मोस्टली हो जाते हैं एंड लैपटॉप को लेके आप ट्रैवल भी कर सकते हो, 1.7 kg लैपटॉप का वेट है। तो अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो मैंने 2 गेम्स टेस्ट की थी, GTA 5 एंड Valorant। GTA 5 मैंने टेस्ट की थी मीडियम सेटिंग्स में, 1080p डिस्प्ले रखी थी एंड FPS की बात करें तो 40 से 50 एवरेज FPS में देखने को मिल गए थे एंड Valorant की बात करें तो हाई सेटिंग्स में मैंने प्ले की थी तो 70-80-90 एवरेज FPS देखने को मिल गए थे, लेकिन 60Hz की डिस्प्ले है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की बात कर लेते हैं पहले, तो OLED डिस्प्ले है यार, काफी मतलब कलर्स एक्यूरेट हैं। तो एंड डिस्प्ले में आपको एक अलर्ट देना चाहूँगा कि OLED डिस्प्ले में हमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती, तो ये ग्लोसी डिस्प्ले है, तो ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन में आपको थोड़ी रिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आप लेने टाइम ध्यान रखना। बाकी कौन की बात करें जो कि इसके पोर्ट्स के अंदर है, जैसे कि यार लेटेस्ट दे देते तीनों के तीनों, 3.2 वाले USB पोर्ट दे देते, 2 उन्होंने 2.0 वाले दिए हैं, एक ही लेटेस्ट दिया है। तो एक तो ये कौन है, एक तो ये कौन है कि माइक्रो SD स्लॉट कौन यूज़ करता है आज के ज़माने में, तो फुल साइज का कार्ड रीडर स्लॉट दे देते तो कैमरे वगैरह वाले मेमोरी कार्ड लग जाते, मैं भी इसका लगा लेता। तो ये कौन देखने को मिली है जो कि ज़रा कोई बड़ी कौन नहीं है, आप अलग से कार्ड रीडर यूज़ कर सकते हो। तो बस यही तक था जो था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लैपटॉप का, तो चेकआउट कर लेना प्राइस वगैरह। तो फाइनल वर्डिंग रह गया, तो फाइनल वर्डिंग में यही कहूँगा कि लैपटॉप देखो ठीक है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, आपको मतलब थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी करनी है तो तब आप इसके तरफ जा सकते हो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना यार।